तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाएं। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है, लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से, मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है, और फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हम इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला, और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंग, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं, इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी, या खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था, अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। ये बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। एनी ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओ हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकेले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। इनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस। मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाओ, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाओ, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या बनाएंगे? आसानी से, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ, और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूले। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंग, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है, दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंग केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है, और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है, और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया, अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो यह कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है, और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाओ लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी, और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी, और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है, और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है, भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है। देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं।
दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है, आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है और यहाँ यह बहुत सारे है। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का एक ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजी, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है। और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं? नहीं, यह अच्छा नहीं है। वेंसडे, तभी आशा तुम पर है, मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट, मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि यह वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाओ, यह तो बहुत ही अच्छा है, ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेंसडे, उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है, मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, यह बहुत आसान है, मेरे लिए सलाद बनाओ, मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है, इसे सलाद का आधार बनाती हूँ, फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है, हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए, इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को ना केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी है। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह, फूल, यह बोरिंग है, सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेजिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और दो आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है, अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी, लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। हुरे, स्वादिष्ट सलाद। वेंसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह, कितना डरावना है, मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए, मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती, मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। यह सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनिट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं, लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया, बधाई हो। दादी, उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा, मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है, बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी, या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा, आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। अब वह क्या था? मेरे पास मत आओ, बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ, मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया, यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा, वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है, सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। ठीक, इसे ले लो, और मुझे न्यूटेला चाहिए, उसे लाओ। शाबाश, तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो यह कितना अच्छा है, मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प, मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती, उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे
रंगीन डोनर्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीप कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया, साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिर ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह, यह तो कमाल का है। इनिर, यह स्पष्ट है, तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं। अब देखते हैं मुझे क्या मिला। वाह, एक स्वादिष्ट चॉकलेट बार, लेकिन ये पिघल गया है और मुझे ऐसी चीज का क्या करना चाहिए। तुम जल्दी हंस रही हो फेबी, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। हाल ही में मैंने टिकटॉक पर एक कूल लाइफ हैक देखा है, मस्त चॉकलेट चित्र कैसे बनाए। चलो अब यह कोशिश करते हैं। चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट है, हमें जल्द से जल्द दिल बनाना होगा। वाह, यह स्वादिष्ट है, जरा इसे देखो, कितना सुंदर भी है और स्वादिष्ट भी है। अपनी उंगलियों को चाटने लायक। अब तुम अपना ढक्कन खोल सकती हो। बेशक, मुझे एक जमा हुआ चॉकलेट बार मिला है, लेकिन ये ऐसे भी ठीक है। मैं सारी बर्फ को थोड़ा हटा देती हूँ और इसे खाती हूँ। बहुत मस्त महक आ रही है। आउच, दर्द हुआ। अरे चलो, टूटो बेवकूफ चॉकलेट बार। जेन, ये चॉकलेट बार नहीं चाहता कि मैं इसे खाऊं। मैं बिल्कुल भी टूटना नहीं चाहता। उफ, ठीक है, मैं इसे चाटने की कोशिश करूंगी। यह स्वादिष्ट है। तुम अजीब हो फीबी। चलो देखिए कि मैं एक और चॉकलेट ड्राइंग कैसे बनाती हूँ। जरा देखो कि कितनी प्यारी बिल्ली निकली। यह न केवल सुंदर है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। 3, 2, 1 खोलो। वाओ, ये चाइनीज नूडल्स है, मेरे पास फ्रोजन है। ओह, मैं इतनी बदकिस्मत क्यों हूँ, ये बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। और मेरे पास स्वादिष्ट गर्म नूडल्स है। चलो अब यह खाते हैं। मुझे चाइनीज नूडल्स बहुत पसंद है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि तीखी भी है। ओह, यह कितना तीखा है। फिर भी मेरी मदद करो, कुछ करो। मैं तुम्हारी गर्म सांस की मदद से नूडल्स को पिघला सकती हूँ। यह अच्छा है, मुझे यही चाहिए। कितना स्वादिष्ट है। वाओ, धन्यवाद जेन, मुझे नूडल्स को गर्म करने में मदद करने के लिए। उफ, मुझे माफ करो, ये बहुत स्वादिष्ट था। और इसे पहले कौन खोलेगा? वहाँ देखो, मैं इसे पहले खोल रही हूँ। वाओ, मेरे पास पिज्जा है, कितना अच्छा। वाओ, यह गर्म भी है, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और खुशबू तो कमाल की है। मुझे इसे जल्द ही ट्राई करना चाहिए। वाओ, चीज भी स्ट्रेच हो रहा है। क्या मैं भी खा सकती हूँ? जेन, तुम्हें अपना खाना चाहिए, मेरा नहीं। अच्छा ठीक है, देखते हैं मेरे पास क्या है। ओह, मेरा पिज्जा तो फ्रोजन है, ये बेकार है, चीज भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है। उफ, मैं इसे काट भी नहीं सकती। फिर भी मुझे सच्ची में स्वादिष्ट पिज्जा चाहिए, मेरे पास बर्फ है। लाओ, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। अपना मुंह खोलो और इसे अच्छे से बंद करो। हुर्रे, ये काम किया। और तुम क्या सोचती हो, क्या तुम्हें फ्रोजन पिज्जा पसंद आया? क्या ये क्या हुआ, तुम्हारा दांत टूट गया क्या? तुमने क्या किया? शायद ये पिज्जा तुम्हारी मदद करे। हाँ ठीक है, चलो। और मेरे पास ढक्कन के नीचे क्या है? चलो, हम उंगलियों से खेलने जा रहे हैं। खैर चलो, और मैं जीत गई। मैं इस खेल में प्रोफेशनल हूँ। और मुझे क्या मिला है? यह क्या है, मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ। अजीब है, शायद मैं कुछ इसे ठीक कर सकती हूँ। जरा अपना खोल के देखो, तुम्हें क्या मिला है। वाओ, जरा इस लॉलीपॉप को देखो, ये कितना बड़ा है और बहुत ही स्वादिष्ट है। वो मेरे जीभ में चिपक गया था। उफ,
इस तरह से भी ये बहुत अच्छा नहीं है। चलो रुको, अभी मैं देखती हूँ, एक शरारत करती हूँ। मेरी मदद करो, मेरी जीप। अरे मेरी मदद करो। क्या? अरे तुम्हारी जीप अटक गई है, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये नकली जीप थी, देखो। तुम भी ना। चलो अब मैं अपना चुपा चुप ट्राई करती हूँ, और मैंने पता लगा लिया कि मैं इसे कैसे खाऊंगी। वाह, इसे तो बबल भी बना सकते हैं। वाह, कितना क्रंची और स्वादिष्ट है, बहुत अच्छा। चलो रॉक पेपर सीजर्स खेलते हैं, जो भी जीतेगा वो पहले खोलेगा। और मैं जीत गई। तू अपने हाथ कहाँ ले जा रही हो? मैं पहले करूँगी। वाह, मेरे पास चिकन नगेट्स है, काश वे गर्म हो। हाँ गर्म स्वादिष्ट नगेट्स, कितना अच्छा। चलो अब इसे खाती हूँ। इसे थोड़ा ठंडा करना होगा। वाह, चलो अब मैं इसे खा सकती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है, कितना बढ़िया। जेन, तुम मेरे नगेट्स की ओर देखो भी मत, अपने खुद के नगेट्स देखो। उफ, मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि मेरे पास जमे हुए नगेट्स होंगे, और मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए। उफ, ये कितने हार्ड और ठंडे हैं। ओह, काटने से भी दर्द हो रहा है, मैं इन्हें नहीं खा सकती। उन्हें निश्चित रूप से किसी चीज के साथ गर्म करना होगा, लेकिन क्या मेरी मदद कर सकता है? ओह फीबी, तुम्हारा हेयर स्ट्रेटनर मेरे लिए उपयोगी हो सकता है, मुझे कुछ मिनट दो। चलो नगेट को गर्म करने के लिए डालते हैं, और अब हम इंतजार करते हैं। ओह, ये तैयार हो गया। वाह, अब मेरे पास भी चिकन नगेट्स है, स्वादिष्ट। वाह, कितना अच्छा है। क्या मैं पहले कर सकती हूँ? अरे धन्यवाद, मेरे पास वोफल है। ओह, वे भी जमे हुए हैं, इसमें बर्फ भी दिख रहा है। मैं इस बटर के टुकड़ों को हटा सकती हूँ। चलो अब इसे ट्राई करती हूँ, और हो सकता है ये स्वादिष्ट हो। अपना ढक्कन खोलो, हंसो मत। वाह, मेरे पास स्वादिष्ट गर्म वोफल है, कितना अच्छा, हमें इसे ट्राई करना चाहिए। ओह, ये बहुत गर्म है। ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई कि गर्म खाना को पहले ठंडा करना होता है। हाँ यह ठीक है, चलो अब मैं इसे चेक कर देखती हूँ। वाओ, ये कितना स्वादिष्ट है। ओह जेन, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें सावधान रहना चाहिए। मैं इस बफल को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, ये बहुत कड़ा है, और अब मैं इसे खाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं अब क्या करूँगी। मुझे पता है, तुम इस दूसरे वाले को खा सकती हो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं खाती हूँ। वाओ, ये बहुत। क्या पिज्जा इतना छोटा क्यों है, और जॉन का साधारण है? हाँ मैं बहुत लकी हूँ। वाओ क्लोए, क्या इस आकार का पिज्जा भी मिलता है? अपना चश्मा पोछो नर्ड, मेरा पिज्जा देखा, यह मिलता है, लेकिन एमा सबसे पहले खाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पास एक सुपर छोटा पिज्जा है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। चलो मेरा हो गया, यह स्वादिष्ट था, लेकिन पेट खाली है। हाँ हाँ, अब मेरी बारी है, मुझे अपना पिज्जा खाना शुरू करना होगा। वाओ, चीज इतना स्ट्रेची है, तो तुम मेरा पिज्जा चोरी करने की कोशिश भी मत करो। ओ, रुको, यह तुम्हारा नहीं है, मैंने सभी टुकड़ों को गिना था। चलो वापस खाने पर आते हैं, मेरे पास दो और हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूँ और अब खाऊंगा। वाओ, कितना चीज़ी है। चलो अब तुम्हारी बारी है क्लोई, मुझे बताने के लिए धन्यवाद नर्ड। चलो पहले टुकड़े से शुरू करते हैं। वाओ, मेरे पास निश्चित रूप से एक साल के लिए काफी पिज्जा है। वाओ दोस्तों, मुझे माफ करो, लेकिन यह हिस्सा केवल मेरे लिए है, इसलिए मैं उसे शेयर नहीं कर सकती। सभी टुकड़ों के लिए पेट में काफी जगह है। मैं रुक नहीं सकती। तुम्हें रुकना चाहिए, तुम इतना कहाँ फिट कर पा रही हो? ओ नहीं, मेरा पेट वो इतना बड़ा हो गया है। तुम क्यों हंस रहे हो, मेरी मदद करो। एमा प्लीज, यह काम बिल्कुल मेरे लिए है। चलो क्लोई, अपनी जगह से निकल जाओ। ठीक है क्लोई, यह एक ट्रेडमिल है। ट्रेडमिल या क्लोई है, क्या तुम पहले मिले हो, और अब हम दोस्त बनने वाले हैं। क्लोई आलसी मत बनो, एवरेज स्पीड और दौड़ो जल्दी क्लोई, पिज्जा के एक स्लाइस के लिए। चलो दौड़ो, चलो चलो और करो। ओह चलो और। ओह क्या तुम इसे मुझे तुरंत दे सकती हो, ये इतना स्वादिष्ट है। और हो गया। वाओ क्लोई, तुम पहले से भी बेहतर दिख रही हो,
तो चलो एक फोटो लेते हैं। और यह क्या है? मेरे प्लेट में कोई टुकड़ा है, खाना कहाँ है? हाँ, मेरे पास बड़ा मार्शमेलो है। और यह क्या है? ओह, चलो इधर देखो भी मत, चलो अपना खाओ। ठीक है। वैसे मेरे पास एक शानदार आइडिया है, मैं अपने छोटे मार्शमेलो को पकाऊंगी ताकि यह तुम सभी की तुलना से बेहतर स्वाद दे सके। एक फ्राइंग पैन में मार्शमेलो को भूनूंगी और इसे निकालती हूँ। बहुत बढ़िया। और अब इसे खाती हूँ। वाओ, यह बहुत स्वादिष्ट था। चलो अब तुम कर सकती हो। बढ़िया, मैं भी अपने मार्शमेलो को भूनना चाहती हूँ। हम इसे एक स्टिक पर डालते हैं और बर्नर निकालते हैं। एक छोटे से आग से भूरे रंग का स्वादिष्ट ट्री। वाओ, कितना सुंदर सुनहरा रंग है। चलो इसे खाती हूँ। वाओ, यह स्वादिष्ट है। अद्भुत, मुंह में घुलता जा रहा है। जॉन, तुम शुरू कर सकते हो। हाँ, आखिरकार मेरे पास एक बढ़िया आइडिया है। मैं इस मार्शमेलो को पूरी तरह से भूनने जा रहा हूँ। ज्यादा आग की जरूरत है। ओह, बिल्कुल सही रंग। वाह, और क्या महक है। तो ऐसा लगता है सब कुछ तैयार है। अब मैं इसे ट्राई कर सकता हूँ। ओह, कितना क्रिस्पी हो गया मुझे लगता है। आह, जॉन, तुम एक जंगली जानवर की तरह कर रहे हो। हाँ, मैं हूँ। क्या ये एक अच्छी बात है या बुरी बात? क्या हुआ अम्मा? वाओ, ये पॉपकॉर्न के मेरी बकेट है। अरे, मेरा साइज देखो, ये बहुत सारे पॉपकॉर्न है। वाह, और तुम्हारे बारे में क्या? ओ जॉन, ये सच्ची में सबसे छोटा पॉपकॉर्न है जिसे मैंने कभी देखा है। तो क्या यह स्वादिष्ट है या पक्का है? लेकिन मैं इसे बड़ा कर सकता हूँ। ओ हाँ, मेरे पास एक विशेष बीम है। हमें इसे आजमाने की जरूरत है। इसे जगह पर रखते हैं, प्रोटेक्टिव चश्मा लगाते हैं और चालू करते हैं। ओ, तैयार हो जा। वहाँ कुछ बड़ा होने वाला है। अरे, क्या यहाँ क्या हो रहा है? क्या वो और भी छोटा हो गया है? हमें योजनाओं को फिर से देखने की जरूरत है। कहीं कुछ गड़बड़ हो गया है। चलो, इसे फेंक देता हूँ मशीन को और मैं इसे खा जाता हूँ। चलो अब तुम करो। बढ़िया, चलो अब यह खाते हैं। वाह, यह बहुत स्वादिष्ट है। मैं सब कुछ जल्दी से खाने जा रही हूँ। एम्मा, तुम सुपर फास्ट हो। आखिरी बचा है। सभी अच्छी चीजें जल्दी खत्म हो जाती है। मेरा हो गया, तुम्हारी बारी है। वाह, आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट ट्रीट का मजा ले सकती हूँ। मुझे पॉपकॉर्न बहुत पसंद है। चलो मैं पहली हूँ। चलो, ओह, मेरे साथ भी शेयर करो। ओह, यह कितना स्वादिष्ट है और यहाँ बहुत सारे हैं। ओह, चलो मैं और पकड़ता हूँ। क्या? मेरा खत्म हो गया? ओह, चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। ठीक है। क्या इतना छोटा सा प्रिंगल्स? अरे नहीं जॉन, तुम सिर्फ एक लूजर हो। मेरे पास बड़ा पैक है। हालांकि नहीं, यह चिप्स का मेरा विशाल पैक है। क्या जॉन? ठीक है, तुम पहले शुरू कर सकते हो। ओह अच्छा है, चश्मे के साथ भी इस पैकेज को देखना मुश्किल है। मेरा माइक्रोस्कोप निश्चित रूप से यहाँ काम आएगा। चलो खाते हैं। ओह, मैंने सब गिरा दिया और तुम्हें बस मुझ पर हंसना है। ठीक है एम्मा, तुम्हारी बारी है। बहुत बढ़िया, एक अच्छा आइडिया है मेरे पास। अब मैं तुरंत सभी चिप्स बाहर निकालती हूँ। तैयार। देखो कितना अच्छा मैंने फिंगर स्केट खरीदा है। है ना अच्छा? ठीक है, अब मैं प्रोफेशनल की तरह स्केटिंग करूंगी, लेकिन उंगलियों पर, इस तरह। यह मेरे मुंह में कुछ चिप्स फेंकने का एक शानदार तरीका है। ठीक है दोस्तों, मेरा हो गया। क्लोई, तुम जारी रख सकती हो। ठीक है, तुम कितनी धीमी हो, मुझे बहुत भूख लगी है। अब चलो पैकेट को खोलते हैं और खाते हैं। बहुत स्वादिष्ट है। कितना बड़ा सा प्रिंगल्स चिप्स है। हाँ, इसलिए यह अधिक सुविधाजनक होगा यदि मैं उन्हें अपने मुंह में डालूं। ओ नहीं, ये बहुत बड़ा है। आउच, कोई मेरी मदद करो। दोस्तों, मेरा बैलेंस खराब हो रहा है, मैं गिर रही हूँ, बचाओ। और क्लोई, वैसे कुछ चिप्स बाकी है। एमा, चलो खाते हैं। तो हमें इस दुनिया का सबसे छोटा बर्गर खाना होगा। मेरे पास एक सामान्य बर्गर है। क्या इससे भी बड़ा होता है? निश्चित रूप से होता है। इस बड़े से बर्गर को देखो। वाह, चलो मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। यह मुझे दो और यह भी। मैं बढ़िया सा गुलेल बना सकता हूँ और यह तैयार हो गया। अब तुम सब देखोगे कि मैं अपने मुँह में बर्गर कैसे फेंकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? ये पकड़ लिया।
क्या तुमने इसे देखा? ये बहुत अच्छा था। चलो अपलो, अब तुम जारी रखो। बढ़िया, मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी। यह कितना रसदार और स्वादिष्ट है। मुझे बर्गर बहुत पसंद है। दोस्तों, क्या मेरा चेहरा साफ है? सब कुछ ठीक है? क्लोई, तुम फनी लग रही हो। बहुत अच्छा, तो एमा जारी रख सकती है। क्यों नहीं, लेकिन इसे बेहतर तरीके से कैसे खा सकती हूँ? ये बहुत बड़ा है। ओ हाँ, मेरे पास एक बड़ा हथौड़ा है। अब मैं इसे चपटा करने जा रही हूँ। तैयार हो गया। यहाँ ऐसा साइज है जिसे मैं निश्चित रूप से खा सकती हूँ। चलो जल्दी खाती हूँ। वाह दोस्तों, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, मैंने बहुत खा लिया। क्या? मुझे इतना छोटा डोनट क्यों मिला है? और दूसरों के पास क्या है? खैर, आखिरकार मैं लकी हूँ, एक बड़ा डोनट। हालांकि रुको, बड़ा नहीं। एमा, क्या तुम्हारे पास फिर से विशाल डोनट है? मैं वास्तव में लकी हूँ, लेकिन क्लोई शुरू करेगी। मैं ठीक है, मैं इसे जल्दी से खा लेती हूँ। बस हो गया। जॉन, तुम अपना डोनट खा सकते हो। Okay. हाँ, सच में वाव। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मुझे डोनट्स बहुत पसंद है। लेकिन एमा, मैं ये सच में जानना चाहता हूँ कि तुम इसे कैसे खाओगी। चलो खाओ। ठीक है, मैं बिना मतलब के जिम नहीं जाती हूँ। डोनट को खींचने से पहले अच्छी से तैयारी करनी होगी। अपने हाथों पर थोड़ा सा पाउडर सही तरीके से पकड़ना है और तब मैं इस बड़े से डोनट को उठा सकती हूँ। मुझे बहुत मजबूत होना है। अरे वहाँ पर कौन है? अरे हटो। ओह, मैं गिर रही हूँ। एमा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं स्वर्ग में हूँ या कहाँ।